हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ड्राई मंचूरियन, जिसके लिए मैंने चॉप वेजिटेबल्स ले ली हैं, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, जिंजर, गार्लिक, और जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें डालना चाहें आप वो चॉप कर सकते हैं। फाइनली चॉप करने के बाद आप सॉसेस लेंगे। मैंने उसके अलावा मैदा, कॉर्न स्टार्च लिया है, और सॉसेस में मैंने सोया सॉस लिया है, विनेगर लिया है, टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है सो दैट मैं इजीली आपको दिखा सकूं। तो सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स जो आप डालना चाहें उसको फाइनली चॉप कर लीजिए, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। सो ये फाइनली चॉप कैरेट है, जितना फाइन उतना अच्छा, उतना बेटर रहेगा ये। तो कैरेट को आप अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिए। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप खाना चाहें, स्पेशली इसमें कैप्सिकम, कैरेट, स्प्रिंग अनियन डलती है, मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, जिंजर गार्लिक चॉप फाइनली चॉप्ड। बाकी उसके अलावा मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, ये कॉर्न स्टार्च है। फिर आप देख सकते हैं मैंने मैदा लिया है, उसके अलावा मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च कुटी हुई, ग्रीन चिली सॉस आप खाना चाहें, वैसे ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है, सोया सॉस लिया है, उसके अलावा ऑयल लगेगा, और विनेगर और कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ सारे वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मेरे पास जो फाइनली चॉप्ड कैरेट है उसमें मैं सबसे पहले कैरेट ऐड करूँगी, फिर बाकी वेजिटेबल्स ऐसे वन बाय वन ऐड कर लूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एक बार सारे वेजिटेबल्स अच्छे से बाउल में आ गए हैं उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, बट मिक्स करने से पहले मैं काली मिर्च ऐड कर लूँगी। काली मिर्च के बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। नमक इसलिए डाल रही हूँ मैं कि ये वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगे, तो हमको अलग से वाटर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए। तो हम नमक ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स स्लोली स्लोली अपना पानी छोड़ेंगे, और फिर हम उसके बाद इसमें कॉर्नस्टार्च और मैदा ऐड करना शुरू करेंगे, और वही वेजिटेबल्स का जो पानी इसमें से निकलेगा वही उसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो जो हमको कॉर्नस्टार्च और मैदा ऐड करना है वो उसका रेशियो 2:1 होगा। अगर मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ तो मुझे 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालना है, और ये मुझे धीरे धीरे करके डालना है जिसमें कि मुझे समझ में आए कि मुझे कितना ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच मैदा डाल लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक बार ये मिक्स अच्छे से कर लूँगी फिर मैं देखूँगी कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। वैसे तो इतने जल्दी नहीं होगा क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और क्योंकि बाइंड नहीं हो रहा है तो मैं पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर देख रही हूँ कि अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो फिर से मैं 2:1 के रेशियो में मैदा और कॉर्नस्टार्च ऐड करूँगी। और मैं ये ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं अब ये थोड़ा सा मिलने लगा है, जुड़ने लगा है, बट क्योंकि प्रॉपर बॉल्स नहीं बन पाएंगी इसलिए मैं 2:1 फिर से मैदा और कॉर्नस्टार्च ऐड करूँगी बॉल में, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ड्राई मंचूरियन बॉल्स रॉ प्रिपेयर करूँगी। तो इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर जितना ये मिलाएंगे हम उतना अच्छा ये बाइंड होगा और वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगे और ये उन्हीं उसी पानी को लेते हुए बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं मैंने। तो मैंने ये बॉल्स प्रिपेयर कर लिए हैं, और जो कढ़ाई की जो हीट है गैस की वो मीडियम लो पे है या मीडियम पे भी रख सकते हैं, और इसको मैं पार्शली कुक करूँगी, ना मुझे पूरा पकाना है ना मुझे हाँ मुझे पूरा पकाना नहीं है, तो मुझे ऐसा पकाना है कि ये पार्शली कुक रहे। वो क्यों? क्योंकि इसको हम पार्शली कुक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसको 10 मिनट ठंडा करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे फिर से फ्राई करेंगे जिसमें ये क्रिस्प बने। तो मैंने वही किया है, पहले इसको पार्शली कुक कर दिया है, आप देख सकते हैं ये पार्शली कुक हो रहे हैं। एक बार ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे
इनको पूरा नहीं पकाना है और बहुत सावधानी से इन्हें बनाएं, ये टूट भी सकते हैं। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे से बॉल्स प्रिपेयर हों, जो कि फ्राई करते वक्त आपके तेल में पूरी खुले ना। बॉल्स ऐसे नहीं बननी चाहिए कि वो खुल जाएं, थोड़ा बहुत गिरेगा क्योंकि ऑब्वियस कैरेट है। तो ये मैंने इसको पार्शली कुक कर लिया और आप प्लेट में देख सकते हैं। अब इसको मैंने 10 मिनट ठंडा होने रख दिया था, उसके बाद अब ये 10 मिनट ठंडा होने के बाद कढ़ाई जो है वो हाई हीट पे ले ली थी मैंने, और उसमें फिर से मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने के बाद मैं इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और फिर उसके बाद निकालूँगी तो एकदम क्रिस्पी रहेंगे और खाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं इनको हाई हीट पे, एकदम हाई हीट पे नहीं, मीडियम हाइट पे, मीडियम हाई पे इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ऐसे ही सारे बैचेस को आपको फिर से फ्राई करना है। आप चाहें तो वैसे फ्राई कर सकते हैं एक ही बार में, बट क्योंकि मुझे क्रिस्प पसंद है इसलिए मैंने इनको दोबारा फ्राई किया है। एक बार ये फ्राई हो जाएंगे तो आप एक इनको निकाल लीजिए और एक साइड में रख दीजिए, और फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। सो मेरे ड्राई मंचूरियन के बॉल्स तैयार हैं फ्राई होके। अब मैं उनको सॉटर करने के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अब जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं थी इसलिए मैं नॉर्मल अनियन ले रही हूँ, बट अगर वो स्प्रिंग अनियन हो तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़रूर उसके साथ ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि एक बॉल लेना है और उसमें सारे सॉसेस ऐड करने हैं, जो भी सॉसेस हो आपके घर में, जो भी आप खाना चाहें वो एक बॉल में 1 टेबल स्पून सारे सॉसेस ले लीजिए। तो मेरे पास ग्रीन चिली था, मेरे पास सोया सॉस था, मेरे पास विनेगर था, और मुझे कैसे पसंद नहीं है, तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस लिया है। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून सोया सॉस ले लेना है, इसका कोई भी वेरिएंट चलता है, मेरे पास डार्क है तो मैंने डार्क ले लिया है। 1 टेबल स्पून ये लेने के बाद मैं ग्रीन चिली सॉस डालूंगी। यूजुअली ग्रीन चिली बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता और टेस्ट अच्छा आता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। तो 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस ले लिया है। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून विनेगर डालूंगी, थोड़ा सा वो खट्टापन के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके लिए, तो मैं 1 टेबल स्पून विनेगर भी ऐड कर लूँगी। आप इसके अलावा 1 टेबल स्पून कैचअप भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे कि आप चिली फ्लेक्स खाना चाहें तो वो भी इसमें ऐड करके फेंट सकते हैं। नाउ हम एक बार सारे सॉसेस ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, लाइक 1 टू 2 टेबल स्पून। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप इसमें स्लरी प्रिपेयर करेंगे तो जो हम कॉर्नस्टार्च की स्लरी प्रिपेयर करेंगे वो सॉसेस में भी ऐड कर सकते हैं, और अलग से बॉल में उसको स्लरी प्रिपेयर करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी में ऐड कर सकते हैं सॉसेस के साथ। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉसेस बॉल में लेने के बाद उसमें आपको शुगर डालना है, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, ये सारा टेस्ट को एनहेंस करेंगे। तो वो सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जिसमें कि शुगर घुल जाए, और एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक बार ये मिक्स हो जाए उसके बाद मैं वाटर ऐड करूँगी, जैसे मैंने कि पहले कहा, वाटर डाल के उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी कर रही हूँ, और उसके बाद हाफ टी स्पून मैं इसमें कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, और मैं स्लरी इसी के अंदर प्रिपेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो एक सेपरेट बाउल में पानी लें, लाइक पानी ऐसे लीजिए कि 2 टेबल स्पून पानी लीजिए, 2 टेबल स्पून आप 3 टेबल स्पून पानी लीजिए, और उसमें आधी चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल के उसको फेंटें। कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ना एकदम रनी होनी चाहिए, इट्स लाइक मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो सॉस बाइंड करने के लिए बनेगा, सॉटे मंचूरियन ड्राई मंचूरियन को बाइंड करने के लिए लगेगा जो सॉस, वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रॉ स्मेल ऑफ कॉर्नस्टार्च चाहिए जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपकी रनी कंसिस्टेंसी हो स्लरी की, और वो आप सॉस में ऐड करके डाल सकते हैं। सो मैंने एक्चुअली
एक पार्ट मिस आउट कर दिया जहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल को सॉटे कर लिया। तो मैंने ऑयल लिया था उसमें ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली, स्प्रिंग अनियन और जो भी वेजिटेबल्स आप खाना चाहें वो उसमें डाल के सॉटे कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। हाई फ्लेम होनी चाहिए जिसमें कि सारे जो वेजिटेबल्स उसमें क्रिस्पीनेस रहे। स्लो पे बिल्कुल मत पकाइए नहीं तो सब्ज़ी बन जाएगी। तो उसको भी तो हाई फ्लेम पे एकदम फटाफट सॉटे करना है और ज़्यादा नहीं पकाना है जिसमें वेजिटेबल्स का क्रिस्पीनेस रहे। आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन ऐड कर सकते हैं, कैरेट मैंने ऐड की हुई है, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर, सब कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद आए आपके टेस्ट के हिसाब से। जो नहीं खाना चाहें ऑफकोर्स वो आप स्किप कर सकते हैं। बट चाइनीज़ फूड का जो रूट है इंडो चाइनीज़ का, वो कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज से ही है। वो स्लरी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से गुड मिक्स दूंगी। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वही हाई फ्लेम पे मैं इसको चलाऊंगी। और मैं थोड़ा सा, मुझे सॉस गाढ़ा लग रहा था तो मैंने पानी ऐड कर लिया है 1-2 टेबल स्पून, और उसको चलाया है। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मुझे लगा कि जो सॉसेस का रॉ है, स्मेल है, वो चला गया है। और ज़्यादा भी नहीं पकाना है नहीं तो बर्न हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। तो इसको आप अच्छे से गुड मिक्स दीजिए और बस यू आर गुड टू गो। आप ड्राई मंचूरियन बॉल्स डालने के लिए रेडी हैं। तो पहले तो ये हाई फ्लेम पे, इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो हाई फ्लेम पे ज़रूरी है और उसको कंटिन्यूसली चलाना भी ज़रूरी है। और अब आप इसके बाद ड्राई मंचूरियन बॉल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्लोली स्लोली बॉल्स ऐड करना शुरू करूँगी। अब मैं ड्राई मंचूरियन बॉल्स ऐड कर लूँगी इसमें और स्लोली स्लोली इसको मूव करूँगी जिसमें कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यस, कोशिश करें कि आपके पास ऐसा जरिया हो जो उसको अच्छे से मिक्स कर सके। एक बार सारे मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो सॉस से अच्छे से लिपट जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो मैं उसको ऐसे ही थोड़ी देर रख दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं उसको ढक दूंगी जिसमें कि सॉसेस जो हैं वो बॉल्स उसको एब्जॉर्ब कर लें सॉस को। और तो मैं गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो पे रखूँगी, तेज़ पे रखूँगी तो ऑफकोर्स बर्न हो जाएगा, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें। बस अब मैं उसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी स्लो आंच पे और 2 मिनट बाद ये रेडी है।